नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है एस्ट्रोलॉजी साइंस पर। और आज हम आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं राहु का सिक्स्थ हाउस में क्या रिजल्ट रहेगा। इससे पिछले वीडियो में हमने राहु के लिए पंचम भाव में क्या रिजल्ट रहेगा इस पर चर्चा की थी। अब बारी आती है सिक्स्थ हाउस की। सबसे पहले आपको सिक्स्थ हाउस को समझना होगा। सिक्स्थ हाउस है तो वो आपका जो भी आप हेल्थ के लिए दवाई यूज करते हैं, मेडिसिन यूज करते हैं, उसका घर है। सिक्स्थ हाउस आपका डेली रूटीन है। आपको जो भी जीवन में बाधाएं आती हैं, जैसे मुख्य रूप से रोग, ऋण और शत्रु, इसके अलावा आपका जो भी आप पैसा किसी को दे देते हैं या किसी से पैसा उधार ले लेते हैं, ऋण ले लेते हैं, वो सिक्स्थ हाउस में आता है। आप किसी के साथ लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, वो सिक्स्थ हाउस में आता है। कोर्ट केस वगैरह वो सब सिक्स्थ हाउस में आते हैं। तो अब सिक्स्थ हाउस है वो एक तरह से यहाँ पर अगर कहें तो बहुत ज्यादा कंपटीशन वाला हाउस है और बहुत ज्यादा समस्याओं वाला घर होता है। और जितने भी आप कंपटीशन देते हैं वो आपके सिक्स्थ हाउस में आते हैं। लाइफ में जो भी आप कंपटीशन करते हैं किसी से, वो सिक्स्थ हाउस में आते हैं। सिक्स्थ हाउस है वो आपका एक तरह से यूं कहें कि ऐसा घर है जहाँ पे आपको बाधाओं का सामना करना पड़ता है जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में। तो यहाँ पर जब राहु आता है तो क्या रिजल्ट देता है, देखिए सबसे पहले आप ये समझिए। राहु अगर कुंडली के किसी भी भाव में, यहाँ पर मैं 3, 6, 11 या 10 की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी भाव में अगर शुक्र की राशियों में हो, बुध की राशियों में हो या फिर वो शनि की राशि में हो, तो रिजल्ट अच्छा देते हैं। लेकिन 3, 6, 11 और 10 में भी इनमें राहु बहुत ही अच्छे माने जाते हैं, यानी सुप्रीम पोजिशन में माने जाते हैं। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आप 3, 6, 10 और 11 में अगर देखेंगे तो राहु अगर अपने फ्रेंडली साइन में हो तभी आपको पूरे रिजल्ट देगा, या अपने नक्षत्र में हो तब भी वो बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। तो सिक्स हाउस है वो आपका एक तरह से स्ट्रगल है, वो एक तरह से आपका जो डेली वर्क रूटीन है वो है, या डेली का आप जो काम करते हैं वो है। सिक्स हाउस आपकी टेम्पररी जो जॉब है वो है, जबकि 10th हाउस है वो आपका एक लाइफ का ड्रीम जॉब है। सिक्स हाउस में जब भी राहु आता है तो राहु क्या करता है, राहु इन सब को एम्पलीफाई कर देता है। राहु आपको इन चीजों के प्रति ऑब्सेस्ड कर देता है। जिस भाव में राहु होता है उसके जस्ट सामने केतु होता है, तो केतु आपका 12वें भाव में होगा। अगर राहु 6th में है तो केतु 12वें भाव में होगा। इन जातकों को कई बार देखा गया है कि ये फॉरेन ट्रेवल बहुत ज्यादा करते हैं लाइफ में, और इनको फॉरेन से बहुत ज्यादा लाभ भी होता है। और जीवन के एंड में, क्योंकि केतु मोक्ष प्रदाता है, तो ये मोक्ष की ओर ध्यान लगा लेते हैं, ये मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, और इनका जो लाइफ के एंड में जो टारगेट होता है वो मोक्ष प्राप्त करना। क्योंकि राहु है तो राहु ने इनको वो सब लग्जरियस चीजें, वो सब नेम फेम दिया हुआ होता है जो इनको चाहिए होता है। तो लाइफ के एंड में इनका कोई और टारगेट होता नहीं है। अगर आपको इसी प्रकार की कंडीशन बन रही है होरोस्कोप में कि राहु 6th में है और केतु 12वें में, तो आप निश्चित रूप से समझ लीजिए कि आपको मोक्ष मिलेगा। अब मुख्य चर्चा पे आते हैं। राहु 6th हाउस में है तो आपका जो डेली वर्क रूटीन है वो बहुत अच्छे से आप उसको हैंडल करेंगे। हालांकि आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा लेकिन आप बहुत अच्छे से हैंडल करेंगे। आपके शत्रु नहीं होंगे, यानी आपके शत्रु तो होंगे लेकिन आप उनको परास्त कर देंगे। राहु 6th हाउस में, इसका मतलब ये है कि 6th हाउस से रिलेटेड आपको समस्याएं तो आएंगी लाइफ में, लेकिन उन समस्याओं से आप बहुत अच्छी तरह से निपट लेंगे। कोई भी कंपिटेटर है आपका, कोई भी आपका प्रतिस्पर्धी है, उसको आप हराने में बहुत ज्यादा माहिर होंगे और बहुत आसानी से आप हरा देंगे। आपके ऊपर कितना भी कर्जा है, आप उस कर्जे को अपनी मेहनत के द्वारा, अपने स्ट्रगल के द्वारा उसको उतार देंगे। तो राहु है वो कुछ इस प्रकार से रिजल्ट देता है, क्योंकि राहु क्रूर ग्रह है और सिक्स्थ हाउस में क्रूर ग्रह का होना अच्छा है, या कोई ऐसा ग्रह जो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो, जैसे सूर्य और मंगल या शनि का होना भी सिक्स्थ में ठीक होता है, क्योंकि आप उन जो मुश्किलें हैं उनसे बहुत अच्छे से पार पा लेते हो। अब राहु अगर 6th में है तो मैंने कई बार रियल एक्सपीरियंस में ये देखा है कि ऐसे जातकों का जो संबंध होता है जॉब को लेके, वो फॉरेन से ज्यादा होता है कई बार, या इनका फॉरेन में कुछ ना कुछ बिजनेस रहता है, या ऐसा भी हो सकता है कि ये मल्टीनेशनल कंपनीज में, यानी जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं उनमें ये काम करते हैं और अपनी कंट्री में ही ये रहते हैं और वहीं पर ये अच्छी जॉब करते हैं। इनको कई बार फॉरेन टूर का मौका भी मिलता है। इसके साथ ही ये अपने रूटीन को लेके कई बार बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, जैसे ये सुबह बहुत जल्दी निकलते हैं और देर रात तक ये वापस पहुंचते हैं, तो
तो ये थोड़ा सा इनके लिए कई बार प्रॉब्लमेटिक भी रहता है, जबकि ये इन सब मुश्किलों से बहुत आसानी से पार पा लेते हैं। अब राहु अगर सिक्स्थ में है तो आप अपना जो भी किसी को आप पैसा देंगे उससे आप आसानी से ले सकेंगे, आप अपने शत्रु को आसानी से परास्त कर सकेंगे, यानी जो भी मुश्किलें आपके आएंगी उनको आप बहुत अच्छे से निपट लेंगे। यहाँ पर अगर आप कोई बहुत बड़ा कंपटीशन देते हैं तो उसमें भी आप सफल होंगे। अगर राहु सिक्स्थ में है तो आपको ये सारी बाधाएं हैं पार करने में बड़ा मजा आएगा, यानी आपको स्ट्रगल तो करना पड़ेगा लेकिन एंड में जो विक्ट्री होगी, जो जीत होगी वो आपकी होगी। कई बार ऐसे देखा है कि ये जो जातक होते हैं जिनका राहु सिक्स्थ में होता है, तो ये कोई भी कंपटीशन हो, चाहे वो बहुत बड़ी पोस्ट पे कहीं लेक्चरर बनना हो किसी कॉलेज या स्कूल में, या फिर आपको पॉलिटिकल फील्ड में अगर सक्सेस होना हो, तो ऐसे जो जातक हैं वो बहुत जल्दी सक्सेस हो सकते हैं। सिक्स्थ हाउस में राहु है तो आप डॉक्टर भी हो सकते हैं, आप एक बहुत अच्छे वकील भी हो सकते हैं, आप एक बहुत अच्छे हीलर भी हो सकते हैं, और आप मुकदमेबाज में विशेष रूप से प्रॉपर्टी से रिलेटेड मुकदमे या आपसी लड़ाई झगड़े उनमें आप बहुत जल्दी सक्सेस होते हैं, क्योंकि राहु वो आपको पावर देता है, वो आपको ऑब्सेशन देता है। और यहाँ पर अगर आप फैमिली के साथ किसी भी प्रकार का वाद विवाद में हैं तो आप बहुत ज्यादा सक्सेस हो पाते हैं। इसके साथ ही ऐसा जो जातक होगा जिसका सिक्स्थ हाउस में राहु होगा, ये क्या करते हैं, ये दूसरों के लड़ाई झगड़ों में भी कूद पड़ते हैं और ये किसी का भी सामना कर लेते हैं, आसानी से सामना कर लेते हैं। इनको हराना बहुत ही मुश्किल होता है, एक बार को लगेगा कि आप किसी जो बाधा आ रही है उससे जीत नहीं पाएंगे, लेकिन अगले ही पल आपको राहु का वो जो पावर मिलेगा उसकी वजह से आप आसानी से उस बाधा को पार पा लेंगे। तो राहु सिक्स्थ में है तो ये समझ लीजिए कि फॉरेन से बहुत बड़ा लाभ आपको लाइफ में होने वाला है, बहुत सारे टूर आप फॉरेन के करने वाले हो। लेकिन अगर राहु यहाँ पर नीच का बैठा है, यानी अगर धनु में बैठा है, तो उतना लाभ फॉरेन से नहीं मिलेगा, स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ेगा। हालांकि आपकी जीत हो सकती है एंड में, लेकिन आपको थोड़ा स्ट्रगल ज्यादा ही करना पड़ेगा और राहु के रिजल्ट उतने अच्छे नहीं रहेंगे। और इसके लिए आपको सिक्स हाउस का जो लॉर्ड है उसको भी देखना होगा, अगर सिक्स हाउस का लॉर्ड भी अगर वीक है तो आपको थोड़ी समस्या ज्यादा हो सकती है। अब बात करेंगे यहाँ पर राहु की जो प्लेसमेंट है उसका, जो अन्य कुछ जो ग्रह इसके साथ आते हैं युति करते हैं उससे क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए सूर्य और मंगल अगर यहाँ स्थित हों तो ये अच्छा होता है, लेकिन ये कई बार संतान से संबंधित प्रॉब्लम देता है, एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी कई बार देता है और मैरिड लाइफ में दिक्कत देता है। इसके अलावा अगर यहाँ पर बुध आ जाता है तो ऐसे जातकों को देखा गया कि वो अपना होमवर्क करने में, यानी वो अपने स्टडी में, स्कूल एजुकेशन में या कॉलेज एजुकेशन में अपना होमवर्क करने में पीछे रहते हैं, ये पढ़ाई के प्रति बहुत ही ज़्यादा इनडिसिप्लिन में रहते हैं, अनुशासित नहीं होते हैं और ये अपनी पढ़ाई कई बार बीच में भी छोड़ देते हैं। तो ये राहु का ही इफेक्ट होता है, ये किसी रूल को फॉलो करते नहीं है, किसी की मानते नहीं है, तो ये कई बार अनसक्सेसफुल होते हैं, लेकिन आगे चलकर ये बहुत अच्छे सक्सेसफुल बन सकते हैं। बुध अगर अच्छा बैठा हो यहाँ पर, क्योंकि बुध की ही राशि कालपुरुष की कुंडली में सिक्स हाउस में आती है, तो अगर राहु यहाँ पर कन्या राशि का बैठा हो तो हो सकता है कि जातक एक बहुत अच्छा वकील या डॉक्टर भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा ही आपको नुकसान ही होगा। इसके साथ ही देखिए सूर्य और मंगल अगर आते हैं तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ एनर्जी ज्यादा देते हैं, मंगल यहाँ पर बहुत ज्यादा क्रूरता देता है, तो मंगल का जब साथ होगा राहु के तो आप अपने जो शत्रु हैं उन पर एकदम टूट के पड़ेंगे, आप अपने प्रतिस्पर्धी को बहुत जल्दी हरा देंगे और उनको पलक झपकते ही उनको पता भी नहीं चलेगा, तो आप सारी जो समस्याएं हैं उनसे बहुत अच्छे से निपट लेंगे, क्योंकि मंगल और सूर्य दोनों ही एक एनर्जी इस भाव में देते हैं और फिर राहु की एनर्जी ऊपर से आ जाती है, तो वो सारी एनर्जी मिलके बहुत अच्छे से पॉजिटिवली आपके लिए काम करती है। अब यहाँ पर अगर जुपिटर आ गया तो आप कई बार लिटिगेशन में फंस जाते हैं, अगर चंद्रमा आ गया तो आपको हेल्थ की समस्या या मानसिक रूप से कोई समस्या हो सकती है, तो ये इस प्रकार से समस्याएं रहती हैं। अगर यहाँ पर शनि की प्लेसमेंट हो राहु के साथ तो आपको यहाँ पे एक तो अपना वर्क रूटीन है उसके प्रति बहुत ज्यादा सीरियस रहना पड़ेगा, यानी रूल आपको काफी फॉलो करने पड़ेंगे, आप अन्य लोगों की जो सर्विस है यानी आप अपनी सर्विस अन्य लोगों को देने में हमेशा तैयार रहेंगे,
आप जैसे कोई बाढ़ पीड़ित है उसके लिए आप हमेशा तैयार रहें, कोई भी आपदा आ गई, किसी भी प्रकार की समस्या हो गई, या आपके मोहल्ले में या आस पड़ोस में कहीं भी ऐसी स्थिति हो गई जहाँ पे सामूहिक रूप से लोग परेशान हो रहे हैं, उनकी सहायता करने में आप हमेशा तत्पर रहेंगे। तो राहु जब शनि के साथ इस प्रकार से आते हैं तो कुछ इस प्रकार के रिजल्ट देते हैं। अब यहाँ पर अगर राहु शनि के साथ हैं तो आपने देखा होगा जैसे अभी वो मजदूरों वाली समस्या थी, तो वैसी कंडीशन में आप सहायता करने के लिए आगे आते हैं और अपना आप सब कुछ न्योछावर करके उन जो मजदूर हैं उनकी सहायता करते हैं। अब यहाँ पर ये देखा गया है कि जैसे अगर राहु यहाँ पर 6th हाउस में है तो ऐसे जातक हैं वो या तो किसी किसी भी ऐसे फील्ड में हो सकते हैं जहाँ पे जैसे स्पोर्ट्स का फील्ड है, मान लीजिए 5th हाउस आपका मजबूत है और 5th हाउस से ये सिग्निफाई हो रहा है कि आप बहुत अच्छे प्लेयर होंगे और 6th हाउस में आपका राहु है तो आप निश्चित रूप से अपने जो खेल है उसमें अच्छा प्रदर्शन करेंगे, अपने खेल की वजह से आप बहुत कुछ लाइफ में अचीव करेंगे आगे चलकर। तो कुछ इस प्रकार से राहु यहाँ रिजल्ट देते हैं। अब विभिन्न भावों की बात करते हैं। देखिए ये काफी इंटरेस्टिंग है और आपका निश्चित रूप से इसमें कोई ना कोई हाउस जरूर आपका मिलेगा जिस हाउस का लॉर्ड आपका राहु के साथ बैठा हो। वैसे तो राहु अगर अकेला होता है तो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, लेकिन कई बार युति में भी राहु आ जाता है। अगर 1st हाउस का लॉर्ड राहु के साथ बैठा है यहाँ पर 6th में तो आपको हेल्थ की कुछ समस्या रहेगी, लेकिन आप उसको बहुत जल्दी कई बार जो समस्या है उसको दूर कर लेंगे। यहाँ पर आप मेडिसिन के माध्यम से या किसी भी प्रकार से दूर कर लेंगे। राहु अगर आपका 6th में है तो आपको एडिक्शन हो सकता है किसी भी चीज का, तो आप उसको भी हालांकि दूर कर लेंगे। लेकिन राहु वो है जो रहस्यवादी है, राहु को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। कई बार राहु आपको ऐसी बीमारियां भी दे देता है जिसमें आपको जो बीमारी है उसकी पहचान ठीक से नहीं हो पाती है। अब राहु के साथ अगर 1st भाव का लॉर्ड बैठा हो तो आप अपना जो चेहरा है, आप अपनी जो छवि है, आप अपना जो पर्सनैलिटी है उसको यूज करेंगे, और क्योंकि राहु इलीगल कामों को दर्शाता है तो आप अपने जॉब में जहां आप जॉब करते हैं वहां पे आप अपने आप को यूज करेंगे, लिटिगेशन जैसे मामलों में भी आप अपने आप को यूज करेंगे। तो कुल मिलाकर आप खुद को रिप्रेजेंट करते हैं, खुद को इलीगल रूप में आप यूज करते हैं और वहां पे फिर आगे चलकर आप कई बार फंस भी जाते हैं और उस समस्या से बहुत जल्दी निकल भी जाते हैं। अगर 1st हाउस का लॉर्ड राहु के साथ बैठा है तो आप खुद की ही पर्सनैलिटी को यूज निश्चित रूप से करेंगे। अगर 2nd हाउस का लॉर्ड राहु के साथ बैठा हो तो आप अपनी सेविंग को, अपनी फैमिली को यूज करेंगे। फैमिली का यूज करके आप किसी पॉलिटिकल फील्ड में सक्सेस पा सकते हैं या किसी इंटरव्यू वगैरह में आप अपनी जो सेव की हुई इनकम है उसके माध्यम से घूस देकर आप बहुत अच्छा पद प्राप्त कर सकते हैं, किसी कंपटीशन में, किसी इंटरव्यू में सक्सेस हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका 3rd हाउस का लॉर्ड अगर राहु के साथ बैठा हो तो हो सकता है आप अपने भाई बहनों के माध्यम से या आप अपने खुद के प्रयासों से भी कई बार सक्सेस पा लेते हैं। अगर 4th हाउस का लॉर्ड आपका राहु के साथ बैठा हो तो आप अपनी प्रॉपर्टी को लेके या आपकी जो मदर हैं उनके नेम फेम की वजह से कई बार फेमस हो जाते हैं। ज्यादातर आप अपनी बहुत सारी गाड़ियां हो आपके पास या बहुत अच्छी प्रॉपर्टी हो, बहुत अच्छा आपके पास मकान हो, तो उसकी वजह से कई बार आप जनता में फेमस हो जाते हैं और आप एक पॉलिटिकल लीडर बन जाते हैं। अगर 5th हाउस का लॉर्ड राहु के साथ बैठा हो तब आप एक पहले बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे होंगे, उसके बाद आपको पॉलिटिकल फील्ड में या पॉलिटिकल किसी जैसे जो मंत्री वगैरह हैं उनके पद पे आपको उस वजह से उस खिलाड़ी वाले जो आपकी नेम फेम है उसकी वजह से पहचान मिल जाती है और वो मंत्री जैसा पद या विधायक या जो भी है वैसा पद आपको मिल जाता है। तो कुल मिलाकर आपने पहले कुछ एग्जाम्पल देखे होंगे जैसे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ वो थे और गौतम गंभीर को आप देख लीजिए। तो ये लोग कुछ इसी प्रकार से थे जो इन्होंने सबसे पहले खेलों में नाम कमाया। वैसे मैंने इनकी कुंडली देखी नहीं है बट आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया। अब हो सकता है कि उनकी कुंडली में ऐसी कंडीशन ना भी हो पर एक एग्जाम्पल तो बनता है। तो वो जो लोग हैं उन्होंने पहले खेलों में अच्छा नाम कमाया और उसके बाद वो वहां पर जो है अपना पॉलिटिकल फील्ड में अपना आज सेवा दे रहे हैं। जैसे गौतम गंभीर हैं तो वो दिल्ली में अपनी सेवा दे रहे हैं जनता के लिए, तो अच्छा उनका नाम है और वो नाम उनका
अपने जो खेल है उसी की वजह से, क्रिकेट की वजह से इनका बना था, और ये ओपनिंग में काफ़ी अच्छा खेलते थे और मेरे वैसे काफ़ी फेवरेट रहे हैं गौतम गंभीर, और वर्ल्ड कप भी इन्होंने ही जिताया है अपनी पारियां खेलकर, काफ़ी अच्छी पारी इन्होंने खेली थी वर्ल्ड कप में, तो वो सब आपको याद होगा। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो किसी भी खेल में नाम कमाए हुए होते हैं पहले, और बाद में आगे चलकर पॉलिटिकल फील्ड में एक अच्छा नाम या एक अच्छा पद पा जाते हैं। इसके साथ ही देखिए, अगर सिक्स हाउस का लॉर्ड आपका राहु के साथ बैठा हो तो आप निश्चित रूप से इलीगल काम करके आप ऐसे कामों में जाते हैं, ऐसे फील्ड में आप फेमस होते हैं। अगर आपका सेवंथ हाउस का लॉर्ड राहु के साथ बैठा हो तो मैरिड लाइफ में कई बार दिक्कत खड़ी हो जाती है, क्योंकि जो सेवंथ हाउस है उससे बार बार भाव ये होता है सिक्स हाउस, और इसमें राहु बैठा होता है, तो ये कई बार प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। हालांकि आप जो भी समस्याएं हैं उनको लेके आप अपनी वाइफ के नाम से या अपनी पार्टनरशिप को यूज करेंगे, आपके किसी के साथ डील हुई है उसको यूज करेंगे, तो आप इसमें फेमस हो सकते हैं या अपना जो भी समस्या है उससे निपट सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन भी आपकी रही होगी, आप अपने स्पाउस को यूज करेंगे, उसका नाम यूज करेंगे, और उसके नाम की वजह से आपको जो आप टारगेट आपने कर रखा है, जो चीज आप चाहते हैं वो आपको मिल जाएगी। अगर आपका अष्टम हाउस का लॉर्ड अगर राहु के साथ बैठा है तो आप अष्टम हाउस की चीजों को यूज करेंगे, आप कोई सीक्रेट प्लान बनाएंगे, या आप अपनी जो पैतृक संपत्ति है उसका यूज करेंगे, या आप अपने स्पाउस की फैमिली को यूज करेंगे, उनकी रेपुटेशन को यूज करेंगे, तो ये सब। इसके अलावा अगर आपका नाइन्थ हाउस का लॉर्ड राहु के साथ बैठा हो तो आप अपने फादर की वजह से, या तो आप अपने फादर की वजह से, आप अपने लक की वजह से ज़्यादा कोई फेमस होंगे, या फिर हो सकता है अगर यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो, नाइन्थ हाउस और सिक्स हाउस का जो मैचिंग हो ठीक से नहीं हो रहा हो, या आपस में ये इनके लॉर्ड शत्रु हों, तो फादर के साथ आगे चलकर फिर कुछ वाद विवाद हो सकता है, लेकिन भाग्य आपका सपोर्ट करता है अगर नाइन्थ हाउस का लॉर्ड आपका सिक्स हाउस में राहु के साथ बैठा हो। इसके अलावा अगर टेंथ हाउस का लॉर्ड, अगर आपका टेंथ हाउस का लॉर्ड राहु के साथ बैठा है तो आप अपने खुद के जॉब के द्वारा, आपका जो जॉब होगा उसके माध्यम से आप पहले फेमस हुए होंगे, और आप अपने ही जॉब के द्वारा उस काम को भी प्राप्त कर लेते हैं, उस टारगेट को भी ले लेते हैं अपने हाथ में जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। इसके अलावा अगर इलेवंथ हाउस का लॉर्ड बैठा हो राहु के साथ तो आप अपनी इच्छाएं, क्योंकि इलेवंथ हाउस में आपकी इच्छाएं आती हैं, आप अपने बड़े भाई के माध्यम से, अपनी इच्छाओं के माध्यम से, अपने नेटवर्क सर्कल के माध्यम से आप उन चीज़ों में सक्सेस हो जाते हैं। इसके अलावा अगर बारहवें भाव का जो लॉर्ड है वो बैठा हो अगर सिक्स्थ में तो कुछ प्रॉब्लम तो आपको क्रिएट करता है, लेकिन आप फॉरेन के माध्यम से, यानी फॉरेन के माध्यम से या आप अपने ड्रीम्स के माध्यम से उसमें सक्सेस होते हैं। अब देखिए, अब सिक्स हाउस में अगर राहु है तो जितने भी काम ये ऑफिस में होते हैं, घूस लेना या अन्य तरीके के इलीगल काम, वो सारे ये सिक्स हाउस का राहु ही करवाता है, और ये शॉर्टकट करवाता है बिल्कुल, जैसे इंटरव्यू वगैरह में घूस देकर पास हो जाना, या अन्य कोई भी काम जिसमें आपको जहां घूस देनी पड़ती हो, तो ये ऐसे काम बहुत हो रहे हैं, और इन्हीं कामों का जो वजह है वो है सिक्स हाउस का राहु, और ये किसी भी प्रकार से, ये किसी भी तरीके से अपने टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, चाहे आपका टारगेट कुछ भी हो, आप शॉर्टकट तरीके से उसको घूस देके या किसी की सिफारिश लगा के, कैसे भी आप उसमें अपना जो आपका उल्लू सीधा है वो आप कर लेंगे, आप अपना टारगेट अचीव कर लेंगे, तो कुछ इस प्रकार के राहु यहाँ पर रिजल्ट देता है। तो राहु जब सिक्स हाउस में आता है तो ये आपको अपने वर्क रूटीन के प्रति बहुत ज़्यादा सीरियस कर देता है, आपको डेली वर्क में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती होगी, आपको शत्रुओं को परास्त करने में बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन सक्सेस एंड में आपकी ही होगी। आप कहीं भी किसी के भी लड़ाई झगड़े में कूद जाएंगे, आर्गुमेंट्स में कूद जाएंगे, आपसे उनका कोई मतलब ना हो तब भी आप ऐसा करेंगे और आपको सक्सेस मिलेगी। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो राहु की प्लेसमेंट है वो आपको खुद धकेलती है, जो ऐसे काम है उसमें राहु आपको खुद धकेलता है और एंड में आपको सक्सेस मिलती है। तो अगर आपका राहु अगर गोचर में भी सिक्स हाउस से ट्रांजिट कर रहा हो और आपकी कुंडली में लेकिन उसकी पोजिशन काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, तब वो आपको फॉरेन ट्रेवल दे सकता है, फॉरेन से बहुत बड़ा लाभ दे सकता है।
अगर राहु यहाँ पर फेवरेबल नहीं है, सिक्स हाउस में बैठा है लेकिन फिर भी अपनी शत्रु राशि में बैठा है, शत्रु के साथ बैठा है, या सिक्स हाउस का लॉर्ड अच्छा नहीं बैठा है, या शनि की प्लेसमेंट आप जरूर चेक करें अपने होरोस्कोप में, क्योंकि राहु है वो शनिवत चलते हैं, तब आपको राहु बहुत बड़ा नुकसान भी दे सकते हैं। इसके अलावा राहु केतु का ये जो एक्सिस बनता है उसकी वजह से इंसान एंड में धार्मिक बहुत ज्यादा हो जाता है, लाइफ के एंड में धार्मिक बहुत ज्यादा हो जाता है। इनको कई बार पारलौकिक शक्तियों का भी अनुभव होता है, जैसे किसी को भूत वगैरह दिखना या ऐसा अनुभव होना, तो ये सब आपकी लाइफ में होता है जब राहु सिक्स हाउस में हो। तो सिक्स हाउस का जो राहु है विशेषकर ये एक अच्छा डॉक्टर बनाने में, एक अच्छा वकील बनाने में, या एक पॉलिटिकल फील्ड में विशेष नाम ये करवाने में सहायक होता है, और ये बहुत ही अच्छा नेम फेम देता है। बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर आपने देखा होगा जिनके सिक्स हाउस में राहु है और वो उसी वजह से अपने फील्ड में सक्सेस हुए हैं। अब यहाँ से राहु क्योंकि टेंथ हाउस को देखता है तो वो जॉब है आपका, टेंथ हाउस आपका ड्रीम जॉब है और वो उसी वजह से अपने जॉब में आप सक्सेस हो पाते हैं। इसके अलावा राहु यहाँ से देखता है आपके बारहवे भाव को, तो जब बारहवे भाव को देखता है तो फॉरेन से आपको रिलेट करता है, फॉरेन में आपको भेजता है, फॉरेन ट्रेवल आपको करवाता है और फॉरेन से आपको लाभ देता है। इसके अलावा राहु यहाँ से सेकंड हाउस को देखता है, सेकंड हाउस को देखता है तो आप अपनी वाणी के माध्यम से आप बहुत ज़्यादा फेमस होंगे, आप कोई कलाकार होंगे, आर्टिस्ट होंगे, उसकी वजह से आप फेमस होंगे और आप थोड़ा सा नशा पता करने वाले या एडिक्टेड हो सकते हैं, शराब वगैरह का सेवन भी आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से राहु सिक्स्थ हाउस में रिजल्ट देते हैं। फिलहाल बस इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।